हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर रहे हैं जेई और नीट के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सबसे पहले हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क ओके अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है और उस पर चार्ज सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम थोड़ा सा मैंस के क्वेश्चन देखें जेई एडवांस के क्वेश्चन देखें तो वहाँ पर हो सकता है कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आ, अलग से वीडियो आपको बनाकर देंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर आर्क है यह हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है इस आर्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी लेंथ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लैम्डा है ओके okay? डेफिनेटली uh, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मान लेते हैं ये जो आर्क है ये सेंटर पर सर्कुलर आर्क है तो सेंटर ये सेंटर सी पर थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है ओके थीटा एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एंगल बाई के अलाग होगी ये जो एंगल बाई है इसके अलाग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा अलोंग दी एंगल बाई ओके जो इस थीटा का एंगल बाई होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसका वैल्यू कितना होगा वो डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर कुलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे है ना अगर हम यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करें जिसका लेंथ है डी ओके okay? तो हम यहाँ पर डी एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं और ये डी एल जो है ये सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है कितना एंगल बना रहा है डी थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर डी एल जो कि आर्क है उसको लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा आर यहाँ पर क्या है आर इस आर्क का रेडियस है सर्कुलर आर्क का रेडियस है तो आप लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू आर ओके ये है डिफरेंशियल पार्ट है ना डिफरेंशियल पार्ट डिफरेंशियल पार्ट ठीक है अब यहाँ अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हम डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू को लिखेंगे लेमडा इंटू डी एल ओके लेमडा हमको पता है लाइन चार्ज डेंसिटी और अगर उसमें dl का मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एल लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पर लेमडा और डीएल का वैल्यू लिख सकते हैं आर इन डी थीटा क्योंकि हमको एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसलिए हमने डिफरेंशियल पार्ट को डिफरेंशियल एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट किया है अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ओके तो वो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इस थीटा मान लेते हैं ये एंगल जो है वो अल्फा है

को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो इस डी के दो कंपोनेंट होंगे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट और वो होगा डी ई कॉस थीटा क्या होगा डी ई कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई -E साइन थीटा क्या होगा वो हाई कंपोनेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो होगा डी ई थीटा अब यहाँ पर सिमेट्रिसिटी से हम समझ सकते हैं कि जो y कंपोनेंट होगा वो हंड्रेड परसेंट जीरो जितना y कंपोनेंट नीचे आएगा उतना ही y कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड भी आने वाला है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो y कंपोनेंट है इट विल बिकम इक्वल टू जीरो सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू दी सीमेट्रिसिटी तो यहाँ पर रीजन आप लिख सकते हैं ड्यू टू ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ठीक है सिमेट्री के कारण सिमेट्री के कारण आ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन जीरो होगा केवल हमको एक्स कंपोनेंट मिलेगा और वो एक्स कंपोनेंट होगा डी ई एक्स इक्वल टू डी ई इन कॉस थीटा है ना यहाँ पर थोड़े से डायग्राम को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये जो डिफरेंशियल पार्ट है है ना ऐसा डी ठीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके आगे हम देखते हैं तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि इस डी ई e का वैल्यू कितना होगा तो ये डी ई एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू डी ई का वैल्यू होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ओके। है ना तो यहाँ पर आर वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि रेडियस जो है हर एक पार्ट का जैसे जैसे आप सरकम इंटीग्रेट करेंगे वहां पर आ, हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है तो ये कॉन्स्टेंट होगा ये जो ठीटा है ये वेरिएबल तो यहाँ पर डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे जो की हमने ऑलरेडी फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ ठीटा और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो सिंपल सा हमारे पास में एक इंटीग्रेशन बनेगा जो कि होगा लेमडा आप चाहे तो एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं नहीं तो जब लेमडा का वैल्यू हम क्यू के टर्म्स पे तो तो टोटल चार्ज के टर्म से अगर रखेंगे तो इसे आर का वहाँ पर यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो लेमडा कॉन्स्टेंट है यहाँ पर यहाँ पर डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ एन नॉट आर कॉन्स्टेंट है ना इंटीग्रेशन हमको कॉस्ट थीटा का करना है विध रिस्पेक्ट टू थीटा अब हमको लिमिट जरा ध्यान से समझना पड़ेगा जब हम इस एंड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा ठीक है यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा अल्फा बाई टू और सबसे अपर मोस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ पर थीटा का वैल्यू भी अल्फा बाई टू होगा पर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे है ना तो हम यहाँ पर उसको नेगेटिव ले, ले लेते हैं तो ये हम यहाँ पर माइनस अल्फा बाई टू लेंगे है ना अब माइनस अल्फा बाई टू और ऊपर जाएंगे तो प्लस अल्फा बाई टू मतलब ये जो एंगल बाई हमको दिख रहा है ये जो एंगल बाई दिख रहा है इसके नीचे नीचे नेगेटिव और उसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव है ना तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे अल्फा बाई से अल्फा बाई डेफिनेटली कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा है ना तो यहाँ लेमडा डिवाइडेड बाई फोर पाई और कॉस uh, थीटा का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं साइन थीटा लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे माइनस थीटा बाय टू अल्फा बाय टू टू प्लस अल्फा बाय टू प्लस अल्फा बाय टू ओके तो एक्स कंपोनेंट जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाय फोर पाई एफ नॉट आर इनटू इनटू साइन साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा और हमको पता है sin एक ऑड फंक्शन है है ना एक ऑड फंक्शन है तो माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन जो होगा हो जाएगा 4, r, और इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू मतलब टू साइन अल्फा बाई टू ठीक है तो यह हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है एक बार वापिस से हम लिख लेते हैं जो कि एंगल बाई के डायरेक्शन में होगा और वो होगा लेमडा डिवाइडेड बाय टू पाई क्योंकि यहाँ टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो टू पाई एप्सल नॉट आर इनटू टू साइन साइन अल्फा बाय टू ओके तो डेरिवेशन तो आप तो समझ लिया है यहाँ पर पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे हम देखेंगे है ना सबसे पहले हम डिफरेंट केसेस देख लेते हैं अगर हमारे पास में क्वार्टर uh, आर्क है है ना मतलब ऐसा आर्क है जिसका एंगल जो है जिसका एंगल 90 डिग्री है ऐसा आर्क है जो है इसका एंगल कितना है 90 डिग्री तो डेफिनेटली यहाँ पर 90 डिग्री के लिए अल्फ़ा का वैल्यू आप पाई बाई टू पुट करेंगे और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो 45 डिग्री पर होगा है ना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई एफसेल नॉट आर इन टू साइन पाई बाई टू बाई टू मतलब पाई बाई फोर और वो होता है वन बाई रूट टू तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लेमडा डिवाइडेड बाई टू रूट टू ओके एप्सल नॉट पाई आर तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना अगर हम सेमी सर्कल की बात करें है ना अगर हम सेमी सर्कल की बात करें जो कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बताया इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस वीडियो के साथ में एक डीपीपी अटैच किया हुआ है और उस डी पे में पी वाई क्यू अवेलेबल है है ना जो भी जेई नीट या फिर जेई एडवांस की बात करें जेई मेंस की बात करें नीट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका एक पी हमने अटैच किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार चेक कर कीजिए कि क्या हमसे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे ना तो वहां पर क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया क्योंकि ये फार्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाई सेक्टर के डायरेक्शन में होगा यहाँ पर अल्फा अल्फा का वैल्यू वन एटी डिग्री और साइन वन एटी लिखेंगे हम लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई एफसेल नॉट आर साइन वन एटी डिग्री

टू पाई एफसेल एन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई टू आप चाहें तो यहाँ इस लेमडा का वैल्यू इस लेमडा का वैल्यू ठीक टोटल चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं टोटल चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू टोटल लेंथ मतलब R इंटू अल्फा है ना थोड़ा सा एक लॉजिक आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा R इंटू अल्फा दैट इज द आर्क लेंथ अगर हम आर्क लेंथ की बात करें आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ होगा आर इंटू थीटा सॉरी आर्क इंटू अल्फ़ा और अगर टोटल चार्ज की बात करें तो वो हो जाएगा लेमडा आर इंटू अल्फा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन और हमको मिलेगा लेमडा आर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय टू पाई एफसेल नॉट आर फिर यहाँ आर से आर कैंसिल होने वाला है और यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा तो आर से आर यहाँ पर कैंसिल भी चाहे तो कर सकते हैं आप देखेंगे कि अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे क्लियर है तो हम बहुत सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके फाइनल एक्सप्रेशन ला सकते हैं और अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखें जो कि आप अटैच्ड पीडीएफ में देख सकते हैं उसमें आ, इस कॉन्सेप्ट को और आप स्ट्रोंग कर सकते हैं अगर पी वाई क्यूज़ देखेंगे तो है ना इसके अलावा हम एक पी डी एफ और यहाँ पर अटैच करेंगे जिसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं अलग अलग रेफरेंस बुक से हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप जेई मेंस या एडवांस की बात कर